इकबाल बेटा वो मैं क्या। अम्मी आपको नहीं लगता कि बहू और बेटे के कमरे में जाने से पहले दस्तक देनी चाहिए? कुछ मायूस सी बात नहीं है ऐसे ही घुस जाना। हाँ बस वो परेशानी में ध्यान नहीं रहा। जी अम्मी बोले, क्या कह रही? बेटा मैं कह रही थी कि राबी को पता नहीं उसका क्या हाल है, उसकी तरफ चक्कर लगा लेते। अभी तो आए हैं और आपने आती फरमाइशें शुरू कर दी। पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करने देना। सही कह रही है, आज बहुत थकावट हो रही है, मैं कल चक्कर लगा लूंगा। हाँ लेकिन बेटा वो मैं इसीलिए कह रही थी कि पता नहीं कैसी होगी वो, और वो जेबी वो तो हर वक्त उन्हीं के घर रहती है, पता नहीं क्या मसला है उसका। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप, वो उनकी रिश्तेदार है, आप वहां जाने से उसको मना तो नहीं कर सकती ना। अब देखे मैंने कभी आपके किसी रिश्तेदार को यहाँ आने से मना किया? कभी नहीं ना। अम्मी देखें, पीरों फकीरों पे पहले ही मेरा यकीन नहीं है। देख लिया नतीजा, राबी ने कर ली ना अपनी पसंद। लेकिन बेटा नसीम लेकर जाती है उसे, वही लिए लिए फिर रही होती है। बस कर दे, अगर बंदे की अपनी नियत ना हो ना, कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। और आप जानती नहीं है राबी कितनी जिद्दी होती थी वो। आप परेशान नहीं हो, मैं कल जाके मिल लूंगा, ठीक हो जाएगी राबी, आराम करें आप। तार में